हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साइट की बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट एक्सरे। दोस्तों, आज की वीडियो में कैल्केनियम इस पर कैसे दिखाई देता है एक्सरे में, इस पर बना रहा हूँ कि किस टाइप से दिखाई देता है और क्या इसके सिम्टम्स दिखते हैं एक्सरे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है एंकल जॉइंट का एपी एंड लेटरल व्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे होंगे लेटरल व्यू में कि ये जो है, ये है कैल्केनियम बोन। ठीक है ना, ये कैल्केनियम बोन है, लेकिन ये अभी ये नॉर्मल है ना, इसमें इस पर नहीं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल नॉर्मल है ना। ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई इस पर सीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल है कैल्केनियम, इसकी नॉर्मल बोन है। ठीक है, और हम इसके एबनॉर्मल देख लेते हैं, इसमें कैल्केनियम इस पर सीन होता है, दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कैल्केनियम इस पर दिखाई कैसे देता है। ठीक है, इस कैल्केनियम इस पर देखने के लिए जो व्यू होते हैं लेटरल व्यू, उस पर बना रहा हूँ। ठीक है, एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू। ठीक है, यह कैल्केनियम का लेटरल व्यू। तो ये जो पेशेंट है जो आया था, जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किए थे, इसे एंकल में जो हील में बहुत पेन हो रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने इसे एडवाइस किया है एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू। ठीक है, बहुत फुट का है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे इसे रीड करता है। ठीक है, चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों जो देख रहे हैं, ये है एंकल जॉइंट का लेटरल व्यू है। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं कि कैल्केनियम किस वजह से इसे पेन हो रहा है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये है, ये यही है, इसे है, ये है, ये जो आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है कैल्केनियम स्पर। ठीक है, बहुत फुट में है, देखो दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में है ना, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पर दिख रही है स्पर। इसी वजह से इसे बहुत पेन हो रहा है हील में, है ना। बहुत लेटरल व्यू किया है मैंने, बिल्कुल अच्छे साफ दिख रहा है कैल्केनियम इस पर किस वजह से, इसी वजह से पेशेंट को हील में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, यही है कैल्केनियम इस पर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।